हेलो फ्रेंड्स, मैं वनीता गुप्ता स्वागत करती हूं आपका मेरी किचन में। आज हम बनाने वाले हैं तिल और मावा के लड्डू। ये लड्डू बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते हैं, तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तिल के लड्डू बनाने के लिए मैं यहां पर ले रही हूं 2 कप सफ़ेद वाले तिल, और इसी के साथ हम लेंगे 2 कप बूरा। आप चाहें तो इसकी जगह पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम लेंगे 2 कप मावा। मावा को मैंने ग्रेट कर लिया है, आप चाहें तो इसे क्रम्बल भी कर सकते हैं। और कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें मैंने 10 से 12 काजू ले लिए हैं, इन्हें मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और इसी के साथ मैंने कुछ बादाम लिए हैं, इन्हें भी मैंने बारीक काट लिया है। और कुछ हमने किशमिश ली है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दिया है, जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगी हम इसमें तिल ऐड कर देंगे। तिल को लगातार चलाते हुए कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए हमें भूनना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। इससे ज़्यादा हम तिल को नहीं भूनेंगे, अदरवाइज तिल जो है वो कड़वे हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लगभग 3 से 4 मिनट में तिल जो है वो भुन चुके हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया है और ये हल्के से फूल भी गए हैं। अब हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल कर एक प्लेट में थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब तिल हल्के ठंडे हो जाएंगे, तब हम इसे एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करके इन्हें दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने तिल मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर दिए हैं और अब मैं इसे दरदरा पीस करके रेडी कर लूँगी। हमें इसे बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है। ये देखिए, मैंने तिल पीस करके तैयार कर लिए हैं और अभी हम इसे साइड में रख देंगे। और अभी हम मावा को भून करके तैयार करते हैं। वापस से मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। कढ़ाई गर्म होने के बाद हम उसमें 2 कप मावा डाल देंगे। मावा को भी लगातार चलाते हुए 6 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। जैसे जैसे मावा भूनने लगेगा तो ये थोड़ा पतला होता जाएगा, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। और ये देखिए, मावा जो है वो भुन चुका है, 6 से 7 मिनट हो गए हैं, मावा में से अच्छी खुशबू आ रही है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसे एक प्लेट पे ट्रांसफ़र कर दूंगी। मावा को हमें ठंडा नहीं करना है, क्योंकि जब हम इसमें तिल और बूरा ऐड करेंगे तो इसका टेम्परेचर अपने आप नॉर्मल आ जाएगा। मावा ठंडा होने पर लड्डू बांधने में दिक्कत आएगी। ये मैं इसमें 2 कप तिल जो हमने दरदरे पीस करके तैयार किए थे वो मैं डाल रही हूँ। और इसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी 2 कप बूरा जो हमने ली थी, वो भी हम ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने मनपसंद से जो भी आपको अच्छे लगते हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मिक्सचर रेडी हो चुका है लड्डू बांधने के लिए। तो चलिए अब हम इस मिक्सचर से लड्डू बना करके तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा मिक्सचर हम हाथ पर लेंगे और इस तरह से हम इसे गोल करेंगे। लड्डू का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा जैसा भी आप रखना चाहें वैसा रख सकते हैं। ये मैंने एक लड्डू बना करके तैयार कर लिया है। सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए हम बाकी के लड्डू भी तैयार कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको सारे लड्डू बना करके दिखाती हूँ। संकट चतुर्थी भी आने वाली है, आप ये तिल के लड्डू संकट पर ज़रूर बनाइएगा। और आप इसे मकर संक्रांति पर भी बना सकते हैं, और सर्दियों में तो वैसे भी तिल खाने अच्छे होते हैं, तो आप इसे कभी भी बना करके खा सकते हैं विंटर्स में। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।